श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका मेरे चैनल कुबरेश्वर धाम सीहोर में। आज मैं आपको बताने जाऊंगी दो उपाय। एक उपाय जो कि हमें आज ही हमारे परम पूजनीय प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया है, यह उपाय आपको करना है शिवरात्रि के दिन, जो कि साल में 12 शिवरात्रि होती है। 12 शिवरात्रि में से महीने की कोई सी भी शिवरात्रि को आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय हमारे परम पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने आज की कथा में बताया है, जो कि आपको मैं उपाय पहले बताऊंगी, और जो दूसरा उपाय है वो पुरानी कथा का है। दोनों उपाय बहुत ही सरल हैं और इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आगे मैं आपको अपने गुरु जी के मुखारविंद से भी यह उपाय सुनवाऊंगी। तो यह कथा चल रही है छत्तीसगढ़ में और आज कथा का छठा दिन था, तो छठे दिन हमारे गुरुजी ने हमें शिवरात्रि का यह उपाय बताया है। पहला उपाय जो है 5 वस्तुओं का है, जो कि हमें शिवजी को समर्पित करनी है, और जो दूसरा उपाय है वह सिर्फ 1 वस्तु का है। तो दोनों उपाय बहुत ही सरल है। दूसरा वाला उपाय मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। इस उपाय में हमें करना है कि 1 बेलपत्र लेना है, जो कि पहला उपाय है, आज हमारे गुरुजी ने आज की कथा में ही बताया है। 1 बेलपत्र, 1 धतूरा, 1 शमी पत्र, सफ़ेद पुष्प और चावल का दाना। चावल का दाना आपको अखा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, तो आप ध्यान से देख के चावल लीजिएगा। यह उपाय है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी सारी राह बंद पड़ी है, आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हम जो भी काम करते हैं वो होता नहीं है, या तो देर से होता है, ये वो काम होता ही नहीं है, ऐसा महसूस होता है कि बस मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, सभी की सुन लेते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, मेरी क्यों नहीं होती है, तो आप यह उपाय करेंगे तो ज़रूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप कुछ भी काम की शुरुआत करते हैं जो कि होता नहीं है, यह उपाय आप करिए पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, आपके सारे काम जरूर होंगे। जिस दिन आपके हाथ में ये सब चीज़ें होंगी 5, जो कि है मैं आपको बता चुकी थी पहले भी, बेलपत्र, धतूरा, शमीपत्र, सफ़ेद फूल और 1 चावल का दाना, यह आप इकट्ठा कर लीजिए अपने हाथों में सारी 5 वस्तुएं, और आप शिव मंदिर जाएं, कभी भी जाएं, शिवरात्रि वाले दिन दोपहर में जाएं, सुबह जाएं, शाम को जाएं, कभी भी जाएं, जब आपको समय मिले तभी आप ये उपाय कर सकते हैं। यह 5 चीज़ अपने हाथ में लेके भगवान भोले भंडारी हमारे शिव जी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते समय इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको क्या बोलना है, कौन से महादेव का नाम लेना है, कौन से भगवान का नाम लेना है, कौन से भगवान का स्मरण करना है। तो हमें यह 5 वस्तुएं हमारे हाथ में लेकर भगवान त्रिपुरारी जी का स्मरण करना है। जो आपके मन में है वो आप बोल दीजिए, और हमारे मन में त्रिपुरारी भगवान जी का स्मरण करते हुए भगवान शिव जी को यह 5 वस्तुएं समर्पित कर दीजिए। त्रिपुरारी भगवान जी का नाम जो है हमारे गुरु जी ने बताया है कि हम स्मरण करते हैं तो यह सुख देने वाला नाम है, तो आप ध्यान से इस उपाय को कीजिए। बाकी मैं आपको हमारे गुरु जी के मुखारविंद से मौका मिल जाए। 1 बेलपत्र, 1 बेलपत्र, 1 धतूरा, धतूरा जानते हो, अरे बोलो तो जानते हो ना, 1 बेलपत्र, 1 धतूरा, 1 शमीपत्र, शमीपत्र कितना, 1, 1 बेलपत्र, 1 धतूरा, 1 शमीपत्र और 1 सफेद पुष्प, केवल 1 सफेद पुष्प, 1 आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो, मतलब पूरा सेगा चावल का दाना, 1, 1 चावल का दाना, 1 सफेद पुष्प, 1 धतूरा, 1 बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं, जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है, भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरी,
कोई रास्ता सूझ नहीं। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूँ तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूँ तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, बारह महीने कोई सी भी शिवरात्रि, शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर, कौन सा नाम, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो निश्चितता है कार्य अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है। त्रिपुरारी नाम दुख देने तो आपने सुना हमारे गुरुजी के मुखारविंद से यह उपाय शिवरात्रि वाले दिन का, जो कि उन्होंने आज ही बताया है। और यह उपाय आप पूरे श्रद्धा भाव के साथ करिए। जो भी परेशान है, जिसका काम नहीं हो रहा है, बार बार अड़चने आती हैं, दिक्कत आती है, काम हो ही नहीं पाता है, हम अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करने लगते हैं, तो आप यह उपाय जरूर जरूर करिए अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ। भगवान भोले भंडारी उनका साथ जरूर देंगे। और बताऊंगी शिवरात्रि के दिन आप एक और उपाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल उपाय है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सफ़ेद पुष्प लेना है और हमारे शिव जी के ऊपर यह फूल समर्पित कर देना है। आप शिवरात्रि के दिन यह फूल समर्पित करें शिव भगवान जी को। और अभी तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि चल रही है, हमारे गुरु जी ने बताया था कि श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पे तो हमारे गुरुजी ने बताया था कि श्राद्ध पक्ष में यदि हम सफ़ेद फूल वाला उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इस उपाय में हमको शिव जी के ऊपर सफ़ेद फूल समर्पित करना है और आपकी मनोकामनाएं, आप जिस भी मनोकामना के साथ यहाँ फूल समर्पित करते हैं, आपकी मनोकामनाएं 3 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगी। तो आप यहाँ दोनों उपाय ज़रूर करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। और यदि आप यह चाहते हैं कि वीडियो में उपाय पूरी अच्छी तरीके से करके दिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी मुझे लिख के बता दीजिए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। धन्यवाद।